Friend, today I am starting to teach you from chapter 9. Plants are very useful for us. Most of our food come from plants. Plants हमारे लिए बहुत ही useful होते हैं. With the help of given clues, solve the crossword puzzles. यहाँ पे कुछ clues भी हैं और हमें यहाँ पे इस puzzle को complete करना है. First, this beverage is made from the seeds of cocoa plant. ये जो ड्रिंक है पीने का वो किससे बनाया जाता है? कोकोआ सीड्स से. सीड्स ऑफ कोकोआ प्लांट, कोकोआ प्लांट के सीड से बनाया जाता है. इसका नेम क्या है? कॉफ़ी. यहाँ देखिए, फर्स्ट पे हमने लिखा है कॉफ़ी. नंबर टू, द प्लांट इज हेल्ड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? रूट्स. प्लांट जो है वो ज़मीन के नीचे किससे रहते हैं? ज़मीन के नीचे उन्हीं प्लांट जो हैं वो किससे जुड़े हुए रहते हैं? रूट से. नंबर थ्री, द स्टेम ऑफ दिस फ्लावर कैन बी ईटन. इस फ्लावर के जो स्टेम है उसे खाया जाता है. इसका नाम है लोटस. नंबर थ्री, लोटस. थ्री में यहाँ पे टू पजल हैं. नंबर थ्री का एक और है, इट हेल्प्स द प्लांट टू टेक इन एयर एंड सनलाइट एंड मेक फूड फॉर द प्लांट. ये क्या करता है? प्लांट्स को सनलाइट में क्या करता है? इट हेल्प्स द प्लांट टू टेक इन एयर एंड सनलाइट. ये प्लांट्स को एयर लेने में और सनलाइट लेने में हेल्प करता है खाना बनाने के लिए. तो इसका नाम है लीफ. नंबर फोर, प्लांट शेयर देयर लीव्स इन दिस सीजन. प्लांट्स इस सीजन में, इस मौसम में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं. नंबर फोर पर हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटम. एंड नंबर फाइव, द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक परफ्यूम्स. इस ट्री की जो वुड है, लकड़ी, उससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं. नंबर फाइव पर हम लिखेंगे सैंडल. नंबर सिक्स, द लीव्स ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक मेडिसिंस. इस ट्री की जो पत्तियां हैं उनसे मेडिसिंस बनाई जाती हैं. नंबर सिक्स पे हम लिखेंगे बच्चों नीम. क्या लिखेंगे? नीम. एंड नंबर सेवन, प्लांट्स यूजुअली ग्रो फ्रॉम दिस. प्लांट जो हैं वो यूजुअली इनसे ग्रो करते हैं, इनसे उगते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे सीड्स. एंड नंबर एट, दिस फूड आइटम कंटेंट्स रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स एट्सेट्रा. ये जो फूड आइटम है ये कच्चा खाया जाता है. इसमें कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं. क्या कहते हैं बच्चों इसे? सैलड. एंड नंबर नाइन, द पार्ट ऑफ द शुगर कैन प्लांट फ्रॉम विच शुगर इज प्रोड्यूस. शुगर कैन प्लांट जो होता है उसका पार्ट जिससे कि शुगर बनाई जाती है, इसका नाम है स्टेम. एंड नंबर टेन, अ वेरी कॉमन सीरियल राइस. नेक्स्ट चैप्टर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आर हेल्थ. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हेयर आर द सम माउथ वाटरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अरेंज द जंबल लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड फिल इन द बॉक्सेस टू नेम देम. यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. इनके यहाँ जंबल वर्ड्स हैं, हमें इनको अरेंज करके लिखना है. फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे पम्पकिन, कीवी, कैप्सिकम, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, चेरी, टर्निप, कुकुम्बर, बीटरूट, मैंगो. नेक्स्ट चैप्टर 11, टुडे हंड्रेड्स ऑफ एनिमल स्पेशीज आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड इनडेंजर्ड एनिमल्स. आज क्या है कि सैकड़ों एनिमल्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं? खतरनाक जो एनिमल हैं वो अब गायब हो चुके हैं. गिविन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम एनडेंजर्ड एनिमल्स, आइडेंटिफाई देम. यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है. इट इज़ अ लीफ ईटिंग एनिमल, इट मूव्स वेरी स्लोली. ये क्या है? लीफ ईटिंग एनिमल है जो कि बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे मूव करता है. इसका नाम क्या है? स्लॉथ. नंबर टू, इट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया. ये इंडिया का नेशनल एनिमल है. इसका नाम है टाइगर.
इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, इट लिव्स इन द ओशियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है और ये ओशियन में रहता है। इसका नाम है ब्लू व्हेल। नंबर फोर, इट लिव्स ऑन ट्रीज, ये पेड़ों पर रहता है। इट इज़ फाउंड इन द आइलैंड ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा, इसका नाम है ओरंगुटान। नंबर फाइव, इट इज़ फ्रॉम चाइना, इट लव्स ईटिंग बैम्बू, इसका नाम है पांडा। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम एक्सटिंक्ट एनिमल, रिकॉग्नाइज देम एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे ये एनिमल्स हैं जो कि अब गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। इनका नाम है मैमोथ, डायनासोर, डोडो। ग्रेट इंडियन लीडर्स, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट इंडियन लीडर्स हु आर पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द ह्यूमैनिटी एंड ग्रेट वर्क। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कुछ इंडियन लीडर्स हैं, हमें इनकी पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना है, देन उनका नेम लिखना है। फर्स्ट भगत सिंह, नंबर टू महात्मा गांधी, नंबर थ्री सुभाष चंद्र बोस, नंबर फोर जवाहरलाल नेहरू, नंबर फाइव रानी लक्ष्मीबाई, नंबर सिक्स बाल गंगाधर तिलक, नंबर सेवन अरुणा असफ अली, नंबर एट सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ मेन लैंग्वेज दैट कैन बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज विद इन द स्टेट इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे बच्चों हमें यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ स्टेट, और यहाँ पे लैंग्वेज, इनसे हमें मैच करना है। फर्स्ट कर्नाटका, तो यहाँ कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़। यहाँ पे हम सी जो है, यहाँ पे हम वन नंबर डालेंगे, कन्नड़ वन से मैच करेंगे। नंबर टू आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश को मैच करेंगे ई तेलुगु से, यहाँ पे हम नंबर टू डाल देंगे। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। केरला, केरला में बोली जाती है मलयालम, यहाँ पे हम ए पर ए से मैच करेंगे, इसे यहाँ पे नंबर थ्री डालेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है एफ उर्दू से मैच करेंगे, यहाँ पे हम फोर नंबर डालेंगे। गोवा, गोवा में बोली जाती है कोंकणी, एंड महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, जी पर हम टिक इसको मैच करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है हिंदी। चलिए नंबर फाइव, ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया, इन टुडेज वर्ल्ड वुमेन आर इक्वल टू मैन, आज क्या है जो दुनिया में वुमेन आर इक्वल टू मैन, औरतें जो हैं वो आदमियों के बराबर हैं। गिविन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम ग्रेट वुमेन ऑफ इंडिया हु प्रूव दैट वुमेन टू कैन डू एनीथिंग, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स। फर्स्ट अ ग्रेट प्रोटेस्ट एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। नंबर टू अ क्वीन हु फॉट विद ब्रिटिश सोल्जर्स टू सेव हर लैंड, एक क्वीन, एक रानी जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सोल्जर से अपने ज़मीन के लिए अपने लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम है रानी लक्ष्मी बाई, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी। नंबर थ्री शी सर्व द पुअर एंड नीडी ऑल हर लाइफ, मदर टेरेसा। नंबर फोर द हार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, लता मंगेशकर। नंबर फाइव द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन। नंबर सिक्स द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। अ ग्रेट एथलीट फ्रॉम केरला हु हैज वॉन मैनी मेडल्स, पीटी उषा। नंबर एट द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस, किरण बेदी। एंड नाइन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन स्पेस, कल्पना चावला। डांस फॉर्म्स क्रॉसवर्ड,
इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड डांस इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चर. द नेम्स ऑफ द फेमस इंडियन डांसेस आर हिडन इन द गिवन क्रॉसवर्ड पजल, फाइंड देम. यहाँ पे देखिए नंबर 3, इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र का डांस है जो कि नंबर 3 पर है. यहाँ पे महाराष्ट्र में जो डांस किया जाता है उसका नाम है लावानी. नंबर 4, इट इज़ अ डांस फॉर्म प्लेट और नवरात्रि. ये डांस जो कि नवरात्रि पर किया जाता है. नंबर 4 पर हम आते हैं, इसका नाम है गरबा. नंबर 5, इट इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. ये डांस तमिलनाडु में किया जाता है. नंबर 5 पर हम आते हैं, भरतनाट्यम. नंबर 8, इट इज़ अ डांस फॉर्म विद द सेम नेम एज ऑफ वन ऑफ द स्टेट. ये जो डांस है उसका जो नाम है वो इसके स्टेट के जैसा है. नंबर 8 पर हम आते हैं, उड़ीसी. नंबर 1, नीचे की तरफ, इट इज़ अ डांस प्लेट विथ टू स्टिक. ये डांस जो कि दो स्टिक से खेला जाता है, इसका नाम है गरबा. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने जो यहाँ पे हमने नंबर 2 पर किया था. नंबर 2 जो है, इट इज़ अ डांस प्लेट विथ टू स्टिक्स, ये रहा नंबर 2. डांडिया, स्टिक से जो खेलने वाला जो डांस है वो है डांडिया, टू स्टिक्स से खेलने वाला. इट इज़ अ डांस ऑफ केरला विथ एलोब्रेटेड कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप. नंबर 2, यहाँ पे हम आ जाएंगे कथकली. नंबर 6, इट इज़ अ डांस ऑफ मणिपुर. ये मणिपुर का डांस है. 6 पर हम आएंगे, मणिपुरी. एंड इट इज़ अ डांस ऑफ